तकरीबन 40 मिनट की फेरी राइड के बाद हम सेंट जॉन्स आइलैंड से मरीना साउथ पियर पहुंच ही गए। और अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं रूफ गार्डन की तरफ। शाम के 7:10 हो रहे हैं और अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही, यानी आधे घंटे भी नहीं, 40 मिनट पहले ही सेंट जॉन आइलैंड से हम लोग यहाँ पर आए मरीना साउथ पियर में। तो अभी हम लोग यहीं पर हैं, तो पिछले 40 मिनट से तो हम लोग यहीं पर आराम कर रहे हैं। एक्चुअली पानी की बोतल लेके गया था, लेकिन वहाँ पर पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि दो ही बोतल लेके गए थे, तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए, तो सबसे पहले हम लोग ने जो मशीन रहती है उसमें से हम लोग ने एक नेस्कैफे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी लिया नेस्कैफे का। तो वो कुछ $1.40 में पड़ा है हम लोग को, यानी तकरीबन 70-80 के आसपास पड़ा है वो हम लोग को, अस्सी रुपये के आसपास पड़ा है पर नेस्कैफे कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। तो बस वो पीने के बाद मैं देख रहा था ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर वहाँ से मैं देख रहा था, तो बस ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैं वही सोचा कि ऊपर एक बार जाके देख लेता हूँ कि कैसा क्या है ऊपर। तो ऊपर आने के बाद मुझे पता चला कि यार यहाँ पर तो एकदम बढ़िया नज़ारा देखने मिल रहा है, मैं बताता हूँ आपको। तो वो जो दिख रहा है आपको यार्ड्स, उसी यानी जो शिप्स, उसी शिप्स में बैठ के मैं वहाँ पर उस साइड में चला गया था जो कि सेंट जॉन्स आइलैंड है वहाँ पर। तो वहीं से हम लोग आए और फिर इस यहाँ पर आने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद इस साइड का जो नज़ारा है वो बढ़िया है, वो भी आपको दिखा दो। सब पूरा नज़ारा अच्छा दिख रहा है, पूरे स्काईलाइंस दिख रहे सारे, और वो रहा मरीना बे सैंड MBS, और उसके पास में ये सिंगापुर फ्लायर। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने मिल रहा है यहाँ पर हम लोग को। तो बस यहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिन भी यहीं पर बैठी हुई है, मैं भी यहीं पर बैठा हुआ ही था, तो सोचा कि आपको भी दिखा दूँ ये जगह, क्योंकि कभी ना कभी आप भी आओगे, आप में से कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा यहाँ पर, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया तो मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पे आते हो तो थर्ड फ्लोर पे आप आइएगा, लिफ्ट पकड़िए और ऊपर आइएगा, फ्री में आप यहाँ पे आ सकते हो। कुछ फीस वीस कुछ नहीं देना है, सीधा ऊपर आना है, आराम करना है। बहुत लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर चाहे तो वहाँ पर भी बैठ सकते हो आप। अगर बच्चों के साथ आते हो तो उनके लिए भी खेलने के लिए चीज़ें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। 1-1.5 घंटा अगर बैठना भी है तो बैठ सकते हो। सिंगापुर में अगर घूमना है तो मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूँ कि या तो एकदम सुबह जाइए या तो शाम को 5-7 बजे के बीच में, तो 4-7 बजे के बीच में शाम को, क्योंकि दोपहर में तो बैंड बज जाती है। और वहीं पर जहाँ पर आज मैं गया था सेंट जॉन्स आइलैंड, उधर भी वही हुआ कि दोपहर में लोग आए थे तो नहाने जा रहे थे, लेकिन बाद में जैसा गर्मी पड़ी, जैसा तेज़ धूप आया, वैसा सब वहाँ से भागे। ज़्यादातर लोग तो निकले नहाने ही नहीं गए बाद में, क्योंकि इतनी गर्मी थी वहाँ पर, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग का टाइमिंग था एक्चुअली 4 बजे निकलना था हम लोग को वहाँ से, लेकिन हम लोग 4:30 बजे हम लोग पॉइंट पर पहुँचे, एंड पॉइंट पर, तो इसलिए हम लोग को जो सीधा जो अगली बोट थी वो 6 बजे की थी, इसलिए हम लोग को वहीं पर रुकना पड़ा, और इसलिए हम लोग भी लेट आए यहाँ पर, 6:30 को यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। मेन बात तो यही है कि अगर आपको फ़ोटोज़ निकालने हैं या वीडियोज़ निकालने हैं तो सुबह 7-11 बजे के बीच में या 6-11 बजे, 6:30-11 बजे के बीच में आप निकालिए फ़ोटोज़, ये जाइए घूमने के लिए, और फिर दोपहर में 4 बजे के बाद ही शाम को, यानी 4 बजे के बाद ही आप निकलिए बाहर, क्योंकि दोपहर में अब नए मतलब बहुत गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और गर्मी सहन करना बहुत भारी पड़ जाता है फिर यहाँ पर, क्योंकि सिंगापुर वाकई में एक गर्म शहर है। मुझे लगा था कि बारिश होगी, हालांकि आज लकीली थोड़ी बारिश हुई जब मैं नहाने गया था बीच पर, तो थोड़ी बारिश हो गई थी, तो मुझे अच्छा लगा जब वहाँ पर गया मैं, और टाइम पर बारिश हुई, शायद मेरे लिए ही बारिश हुई होगी, क्योंकि कब से मैं बारिश का वेट कर रहा था, और फाइनली थोड़ी एटलीस्ट थोड़ी तो बारिश हुई। एनीवे, अगर आपको आना है, इफ़ यू वांट टू कम, सो डू कम टू दिस प्लेस, आप आइए यहाँ पर और एन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और सिंगापुर में आप अगर सेंट जॉन्स आइलैंड में अगर जाना है ना, तो ज़रूर जाइए। अगर आप फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, पीसफुल जगह अच्छी है, तो सेंट जॉन्स आइलैंड ज़रूर जाइएगा। खैर, अभी तो मैं मरीना साउथ पियर में हूँ, तो बस यहाँ पर थोड़ा 5-10 मिनट बैठूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा है सामने देखने के लिए, इतना अच्छा व्यू मिल रहा है कि थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मैं।
आते वक्त मैं ठीक यहीं से आया था। मरीना साउथ पियर बेसिकली MPA यानी कि मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा संचालित एक पब्लिक लैंडिंग पॉइंट है। तो ये अभी लिफ्ट है, जो लिफ्ट से मैं नीचे जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। आपको दिखा दो जाने से पहले। तो ये है फर्स्ट फ्लोर। और यही से मैं आया था, जब मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको पीछे, वही से मैं आया था। तो बस यही से आपको ट्रैवल भी करना है, अगर आपको सैंड जोन्स आइलैंड जाना है तो वही से आपको ट्रैवल करना है। तो चलिए अब मैं थोड़ा भूख लगी तो कुछ खा लेता हूँ, फिर आगे मिलकर आपसे बात करता हूँ, या तो फिर सीधा कल मिलेंगे, देखते। हालांकि अभी मैं काफ़ी थका हुआ, बहुत पानी में आज बहुत नहा लिया मैं और बहुत चल लिया, भूख की वजह से ज़्यादा थकावट हो गई है मुझे। एनीवे अभी आराम कर लिया मैंने, अभी मैं जा रहा हूँ लंच के लिए। तो ये है वो स्टेशन मरीना साउथ पियर, यहीं से मैं घर जा रहा हूँ। पहले तो लंच करूँगा फिर घर जाऊँगा। मेट्रो के अंदर बैठने से पहले एक बार तो ये नोटिस ज़रूर पढ़ लेना। तो अभी मैं मरीना साउथ पियर से निकल कर जा रहा हूँ धोबी घाट, और वहाँ से फिर लाइन चेंज करके दूसरी मेट्रो पकड़ के जाऊँगा चाइना टाउन। वहाँ पर अभी आज खाना खाने का प्लान है, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि आज मैं वहाँ पर क्या खाने वाला हूँ, अभी हॉकर सेंटर में। तो चलिए मिलते हैं चाइना टाउन में। और बाय द वे ये है मेट्रो के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर सीट्स काफ़ी खाली थी। और एक बात तो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मरीना साउथ पियर MRT स्टेशन से चाइनाटाउन MRT स्टेशन जाने के लिए आप नॉर्थ साउथ लाइन वाली MRT पकड़कर रेफरल्स प्लेस उतर सकते हो, क्योंकि चाइनाटाउन वहाँ से हार्डली 10-15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। लेकिन क्योंकि धोबी घाट पर जिन को अपने दोस्त से मिलना था, इसलिए हम धोबी घाट से होते हुए चाइनाटाउन चले गए। फाइनली चाइनाटाउन में मैं आ गया। तो अभी धोबी घाट में एक अच्छा मतलब इंसिडेंट हुआ है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ही स्टेशन पे 3 लाइन था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो जिन मुझे समझा रही थी, और उसी वक्त वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, जैसे मैंने कहा कि आजकल सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है MRT पे, क्योंकि बर्थडे आने वाला है सिंगापुर का 53 या 54 वाला, तो उसके वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो वहीं पर रहते और देखते कि कोई कैमरा यूज़ ना कर रहा हो, वीडियो ना निकाल रहा हो। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, वो देख रहे थे कि मैं समझ नहीं पा रहा, तो वो खुद मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया और एकदम दोस्त की तरह मुझे समझाया। मतलब एकदम अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर, काफ़ी बुज़ुर्ग थे लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो जब तक ऐसे लोग अगर मिलते रहेंगे ना हर देश में, तो उस देश में बार बार जाने का मन तो ज़रूर करेगा। खैर अभी तो मैं आया हूँ चाइना टाउन में, तो अभी यहाँ से यहाँ पर तो आपको पता है कि हॉकर सेंटर्स में आपको काफ़ी सस्ते में खाना मिलता है, तो ये तो मेरी फेवरेट जगह हो गई एक्चुअली, यहीं पर आके खाना खाओ अगर सस्ते में खाना है। तो बस हॉकर सेंटर में आओ और खाना खाओ, वो भी सस्ते में। तब मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो पिछली बार मैं कौन से और साइड में आया था, इस बार दूसरी जगह पर पहुँचा हूँ मैं। तो बस अभी वही ढूँढ रहा हूँ मैं कि कहाँ पर गया था मैं कई बार, तो बस वो हॉकर सेंटर को ढूँढ के वहीं पर जा रहा हूँ और वहीं पर खाना खाता हूँ, और आपको भी दिखा दो कि मैं क्या खाने वाला हूँ और कितने रुपए में खाने वाला हूँ। चलते चलते हम आखिरकार पीपल्स पार्क सेंटर पहुँच ही गए और अब हम सीधा जा रहे फूड कोर्ट की तरफ।
तो आया हूँ मैं वापस से हॉकर सेंटर में, तो ये थोड़ा अलग है लेकिन ये भी हॉकर सेंटर ही है। वो थोड़ा बड़ा था, थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, है बहुत बहुत बड़ा ही नहीं है। तो बस यही से मैं खाना लेने वाला, और आपको बता दो कि मैं क्या खाना लेने वाला, कितने रुपये में। तो अभी हम लोग ने खाना ले लिया है, तो ये क्विक चाव और ये हॉर्फन नूडल्स, तो दोनों का 380 में पड़ा है हम लोग को, यानी 380 यानी 190 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ और 190 इंडियन रुपीज़ में पड़ा है हम लोग को। प्लस ये सूप मिला है, सूप फ्री है दोनों, तो टोटल इसका 190 रुपीज़ और इसका 190 रुपीज़ पड़ा है। तो ठीक है यार, अच्छा है और खाना बहुत ज़्यादा ही है, तो 190 में और क्या चाहिए आपको। तो बस अभी मैं खाना करके टेस्ट करके देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि खाना है कैसा। हालांकि चाइना टाउन में खाना मुझे बहुत पसंद नहीं आता है हमेशा, तो इस बार मैं वापस लिया हूँ मैंने खाना, और वापस खाना टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि खाना एक्चुअल में है कैसा। तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा खाना है। तो ये हॉर्फन नूडल्स और ये क्विक चाव, और ये दोनों सूप फ्री में मिला हम लोग को। तो बस, और ये चटनी अगर ये आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। तो बस अभी मैं खाना खा के बता दो आपको कि ये खाना कितना टेस्टी और कैसा है, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाना खा के हो गया है, और खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट था। दोनों जो खाना लिया था हम लोगों ने, मुझे लगा नहीं था पेट भरेगा, लेकिन वो एक प्लेट से पेट भर चुका था एक्चुअली, और खाना इतना अच्छा था कि अभी मेरा पेट फुल टाइट हो गया। तो कभी भी आप, मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी आप आओगे ना तो चाइना टाउन में आकर आके हॉकर सेंटर में ज़रूर खाना बहुत चीप रहता है। 190 में मुझे पर प्लेट पड़ा है, तो मैंने खा लिया खाना, जिनका भी खाना हो गया, अब यहाँ से सीधा मैं जा रहा हूँ। पेट भर गया भाई, चाइना टाउन हॉकर सेंटर्स, खाना ज़रूर खाना भाई, बहुत बढ़िया है खाना। बाय द वे, अब मैं जा रहा हूँ चाइना टाउन पॉइंट, जो बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है, लोकेटेड इन चाइना टाउन सिंगापुर, नेक्स्ट टू चाइना टाउन MRT स्टेशन। क्योंकि मुझे चाइनाटाउन MRT स्टेशन जाना है, इसलिए मैं चाइनाटाउन पॉइंट शॉपिंग मॉल आया हूँ, क्योंकि चाइनाटाउन पॉइंट से होते हुए ही मैं चाइनाटाउन MRT स्टेशन पहुँच जाऊँगा, और साथ ही इस खूबसूरत मॉल को भी एक्सप्लोर कर लूँगा। सिंगापुर की एक बात तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ट्रैवलेटर हो या फिर एस्केलेटर हो, सभी लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही खड़े रहते हैं, क्योंकि जिन्हें घाई है या फिर जल्दी जाना हो वो राइट साइड से जल्दी आगे जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल वाकई में काफ़ी बड़ा और खूबसूरत है, और ऑब्वियसली यहाँ पर तो मैक्सिमम चीज़ें आपको महंगी ही मिलेगी। और फाइनली हम चाइनाटाउन MRT स्टेशन पहुँच ही गए। क्योंकि मेरे EZ-Link कार्ड में अमाउंट कम है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने EZ-Link कार्ड को टॉपअप करूँगा। तो इस तरह से मैं अपने EZ-Link कार्ड को प्लेस करूँगा, एड वैल्यू पर क्लिक करूँगा, कैश पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से सीधा $10 का इंसर्ट कर दूँगा। $10 इंसर्ट करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा। ओके पर क्लिक करने के बाद इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। पहले मेरे अकाउंट में थे 3.68 और अब हो गए 13.68। रिसीव पर क्लिक करूँगा, यहाँ से अपना कार्ड वापस ले लूँगा, और यहाँ से अपना रिसीव भी कलेक्ट कर लूँगा। और फाइनली चाइनाटाउन MRT स्टेशन से हमने नॉर्थ ईस्ट लाइन वाली मेट्रो पकड़ कर सीधा चले गए हब फ्रंट MRT स्टेशन, और वहाँ से सर्कल लाइन वाली मेट्रो पकड़ कर सीधा चले गए लेबराडोर पार्क MRT स्टेशन, जहाँ पर हमें जाना था। अभी मैं आर्क मॉल में हूँ, जहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ मैं अंडे लेने आया हूँ। तो यहाँ पे तरह तरह के अंडे हैं, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि घर जाने से पहले मैं अंडे लेने वाला हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे अंडे हैं। तो ये काला अंडा है, सॉल्टी एग है, सॉल्टी एग काला कलर का है, सॉल्टी है। कितने का है ये? 100 रुपये का, सिर्फ 4 अंडे 100 रुपये के। और ये है प्रिजर्व्ड एग, जो कि $3.55 यानी 170 170 के आसपास है ये प्रिजर्व्ड एग। अब
इसको कैसे बनाना है मुझे तो पता नहीं, बाकी तो ये हमारे देसी अंडे हैं जो कि 200 170 170 170 में 10 अंडे मिल रहे हैं, यानी 10 सिर्फ 10 अंडे मिलेंगे आपको 170 में। और ये अपने इंग्लिश वाले अंडे हैं, तो ये कॉमन है, ये जो है चिड़िया के अंडे है शायद, ये बहुत छोटे हैं, $2 यानी 100 रुपये में 15 अंडे, 100 रुपये में 15 अंडे। तो अलग अलग तरह के अंडे जो मैंने आज पहली बार देखा है और आपको भी दिखा रहा हूँ। उस दिन मैंने खाना खाया था वो कैसे, तो वो इसी मॉल में से खाया था मैंने, आँख मॉल। हालांकि मैं अंडे के बारे में आपको बता रहा था कि तरह तरह के अंडे यहाँ पर, लेकिन काफ़ी महंगे हैं। और कुछ अंडे लेने के बाद हम सीधे अलेक्जेंड्रा पार्क की तरफ चल पड़े। With backpack. Actually, चीन ने मुझे barefoot यानी नंगे पाँव चलने के लिए कहा था, क्योंकि नंगे पाँव चलने से काफ़ी फायदे होते हैं। तो बस मैं चल पड़ा barefoot और यहाँ से 15-20 मिनट्स के बाद मैं अपने रूम तक पहुँच जाऊँगा।